वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ नर्स से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं। आपका यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट आ चुका है और आपकी जो ऑनलाइन स्क्रूटनी है इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब ऑनलाइन स्क्रूटनी होने के बाद आपके जो फिजिकली डीवी होंगे इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ये कितने नंबर तक रहने की संभावना है, ये सभी डाटा इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पोस्ट आपकी कितनी है ये सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आपकी ऑनलाइन डीवी होने के बाद आपको फिजिकली डीवी के लिए जाना है, इसका जो शेड्यूल है कब किसको जाना है ये जारी कर दिया है हमने, इस पे प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप फिजिकली डीवी के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप इन्हें अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले 10th और प्लस 2 के आपके पास डीएमसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे सभी ओरिजिनल होने चाहिए, ये आप ध्यान से समझिएगा, किसी की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 10th और प्लस 2 के डीएमसी आपके पास, इसके बाद आपके पास नो जॉब अंडरटेकिंग का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। नो जॉब अंडरटेकिंग का मतलब है आपके परिवार में किसी के पास जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर परिवार में किसी के पास जॉब नहीं है तो आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अभी पीछे जितने भी डीवी हुए जैसे फीमेल कांस्टेबल, फीमेल एसआई, तो इनमें जो नो जॉब अंडरटेकिंग का फॉर्म था ये सेल्फ अटेस्ट चला है, ठीक है। तो आप भी इसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जितना भी एक्सपीरियंस आपके पास, एक्सपीरियंस का फॉर्म भी आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको कंपलसरी है लेके जाना है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका, ठीक है। इसके बाद जो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं आपको अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और इसके बाद बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, जैसे कोई बीसीए से रिलेटेड है, कोई बीसीबी से रिलेटेड है, तो ये आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बीएससी, बीएससी, जितने भी आपके पास डिप्लोमे, ये सभी डिप्लोमे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप फिजिकली डीवी के लिए जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के आपके पास दो दो फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फिजिकली जाते समय आपके पास मास्क होना कंपलसरी है, मास्क आप जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है जो डीवी के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया है, लगभग यहाँ पे 6 गुना कैंडिडेट को पास किया है, ठीक है। तो अब हम आपसे डिस्कस करते हैं आपके जो फाइनल कट ऑफ है ये कितने नंबर तक रहने की संभावना है, ठीक है। ये हमारी तरफ से एक अनुमानित डाटा है। तो सबसे पहले जो जर्नल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पे 52 से 55 नंबर है तो आप अपने आप को यहाँ पे एक सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो हम कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे इसमें आप प्लस माइनस 2 नंबर कर सकते हैं, ठीक है। एक या 2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एससी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 42 से 45 के बीच में नंबर है तो आप भी यहाँ पे एक सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बीसीए से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पे 47 से 51 के आसपास नंबर हैं तो आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बीसीबी की, तो बीसीबी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 48 से 52 के बीच में नंबर है तो आप भी यहाँ पे सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद जितने भी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कैंडिडेट है, अगर आपके 50 से 54 के बीच में नंबर है तो आप भी यहाँ पे बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमने एक आपको अनुमानित डाटा बताया है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस 2 की गुंजाइश है, 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल एक अनुमान है, ठीक। अगर 2-3 नंबर भी आपके नीचे हैं तो आपको यहाँ पे अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ रिजल्ट पे डिपेंड है, ये तो केवल केवल एक अनुमानित डाटा है। लेकिन साथियों, ये जो डाटा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके आसपास आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।